हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। तो कल की क्लास में अपने पहली वाली क्लास में अपने क्या देखा था, अपन प्रोपगेशन पढ़ रहे थे, सेक्सुअल प्रोपगेशन अपने पढ़ लिया था। और उसके बाद अपन बात कर रहे थे कि सेक्सुअल प्रोपगेशन अपन किसके मदद से करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, वो पोलिनेशन के थ्रू होगा। ठीक है, तो पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, कैसे यहाँ से ये फ्रूट बनता है, कैसे फ्लोर बनता है, वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अपन पोलिनेशन का मतलब समझेंगे। ठीक है, फ्रूट जो फ्लोवर होता है उसको बनने के लिए, फ्रूट बनने के लिए गेमिट का मिक्सअप होना जरूरी है, मतलब दोनों गेमिट को आपस में मिलना जरूरी होता है। ठीक है, मेल गेमिट फीमेल गेमिट को, तो उसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं पोलिनेशन, मतलब मेल और फीमेल गेमिट को एक साथ मिलाने की प्रोसेस को अपन बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, तो अपने पास में जो मेल गेमेट होता है वो अपने पास में पोलन होता है, और जो फीमेल गेमेट होता है वो अपने पास में क्या होती है, अपन एग बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ये कोई फ्लोवर है, फ्लोवर इसके अंदर एंथर लगा हुआ है, एंथर लगा हुआ है, इसके अंदर पोलन बने हुए हैं। ठीक है, और ये कोई दूसरा फ्लोवर या फिर सेम प्लांट का भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर का भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने पास में ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा आ जाएगा अपने पास में, ये अपने पास में क्या जाएगा, एंथर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर पोलन है। ठीक है, तो इन पोलन को यहाँ पे ट्रांसफर करना स्टिग्मा पे, इसी को अपन बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर अपन बोल सकते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फीमेल फ्लावर इज नोन एज पोलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, मेल को ट्रांसफर करना कहाँ तक, फीमेल तक, उसी को अपन बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, मेल गेमेट को ट्रांसफर करना फीमेल गेमेट तक, उसी को अपन बोलते हैं पोलिनेशन। फिर उसके बाद में बात करेंगे पोलिनेशन कितने टाइप का होता है। तो जनरली अपन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स या फिर एग्रीकल्चर क्रॉप्स के अंदर बात करेंगे तो अपने पास दो टाइप का पोलिनेशन अपने पास देखने को मिलता है। एक अपने पास में आ जाएगा सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरा अपने पास में आ जाएगा क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को अपन एक और नाम से भी जानते हैं, इसको अपन जानते हैं ऑटोगेमी, ऑटोगेमी। और अपन क्रॉस पोलिनेशन को अपन बोलेंगे तो इसको बोलेंगे अपन एलोगेमी के नाम से भी अपन जानते हैं, ऑटोगेमी हो जाएगा और एलोगेमी हो जाएगा। उसके बाद वन बाय वन करके अपन स्टडी करेंगे, उसके बाद इसके फैक्टर अफेक्टिंग भी अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे सेल्फ पोलिनेशन के बारे में। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं बताऊँ आपको सेल्फ पोलिनेशन के बारे में, तो सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है कि एक यहाँ पे जनरल लैंग्वेज में बता देते हैं पहले, कि जैसे कि एक प्लांट है। ठीक है, इसके अंदर ये फ्लोवर है, एक ही फ्लोवर है। ठीक है, एक ही अपने पास में एक फ्लोवर है यहाँ पे मान लेते हैं अपन। ठीक है, एक फ्लोवर है, एक फ्लोवर के अंदर एंथर भी है और स्टिग्मा भी है। एक इसको अपन थोड़ा सा अगर बड़ा करके देंगे तो जैसे कि ये फ्लोवर आ जाएगा, इसके अंदर अपने पास में ये एंथर आ जाएगा और ये स्टिग्मा आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लोवर ऑफ सेम प्लांट, मतलब एक ही फ्लोवर के अंदर वो एक्सचेंज करें। ठीक है, फ्लोवर्स तो बहुत सारे होंगे, ठीक है और भी होंगे, तो मतलब एक ही फ्लोवर के अंदर दोनों है, मतलब बाइसेक्सुअल कंडीशन अपने पास में आ जाएगा, और उसी के अंदर एक ही फ्लोवर के अंदर एक ही फ्लोवर से एक ही फ्लोवर के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब फ्लोवर भी चेंज नहीं कर रहे हैं एक ही प्लांट के ऊपर। ठीक है, तो अपने पास में इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या आ जाएगा, ट्रांसफर ऑफ है, मैंने बता ही दिया, ट्रांसफर हो जाएगा ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लोवर। ठीक है, उसे को अपन बोलेंगे सेम फ्लोवर के अंदर ट्रांसफर इन सेम फ्लोवर आ जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन अपन बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आगे अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर होमोजाइगोसिटी ये क्रिएट करता है, होमोजाइगोसिटी ये क्रिएट करेगा यहाँ पे। और उसके बाद अगर बात करूं मैं, अगर इसके अंदर कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन होता रहेगा, एक अपन इनब्रीडिंग डिप्रेशन नाम का एक वर्ड आता है, मतलब जिसकी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों कम होती जाती है, तो सेल्फ पोलिनेशन के अंदर जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की मैं बात करूंगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन उसके अंदर क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा उसके अंदर, इफेक्टिव उसके अंदर लेस इफेक्टिव होगा, ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूअसली सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, तो इसका ज्यादा कुछ नहीं है। जो क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट होते हैं उसके अंदर जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ तक सेल्फ पोलिनेशन की जनरल चीजें हुई, सेम फ्लोर के अंदर होमोजाइगोसिटी क्रिएट करेगा, और उसके बाद इनब्रीडिंग डिप्रेशन के अंदर लेस इफेक्टिव होगा। उसके बाद में फैक्टर अफेक्टिंग जो सेल्फ पोलिनेशन या फिर फेवरिंग सेल्फ पोलिनेशन की बात करते हैं,
तो आगे फिर बात करेंगे फैक्टर फेवरिंग सेल्फ पोल्यूशन, मतलब वो फैक्टर जो सेल्फ पोल्यूशन को फेवर करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, तो उनके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला आ जाएगा बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब आ जाएगा मेल एंड फीमेल फ्लावर, ठीक है, ऑन सेम प्लांट, सेम प्लांट, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं, फिर मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो सेम प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपन एक लेंगे, यहाँ पे एक टर्म अपन लेंगे हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर, हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब हो जाएगा मेल एंड फीमेल है वो दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, एक सिंगल एक ही फ्लोर के अंदर प्रेजेंट है, तो ये सेल्फ पोल्यूशन को इंडिकेट करेगा या फिर इसको प्रमोट करेगा, मतलब अगर पास पास में तो सेल्फ पोल्यूशन होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो हर्मेफ्रोडाइटी हर्मेफ्रोडाइट फ्लोर या फिर बोल सकते हैं बाइसेक्सुअलिटी प्रमोट करेगा। दूसरा अपने पास हो जाएगा क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का मतलब अगर डायरेक्टली बोले तो क्लोज्ड फ्लोर, ठीक है, फ्लोर होंगे वो क्लोज होगा, उसके जो पेटल्स होंगे कार्पल्स होंगे वो क्लोज रहेंगे, ठीक है। लेकिन कब तक क्लोज रहेंगे वो क्लोज फ्लोर इसके अंदर होगा, ठीक है, वो ओपन नहीं होगा। कब तक ओपन नहीं होगा, जब तक एंथेसिस नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्लोज फ्लावर नेवर ओपन बिफोर एंथेसिस। एंथेसिस वर्ड का मतलब यहाँ पे अपन क्या समझेंगे, एंथेसिस का मतलब हो जाएगा डिहाइसेंस, डिहाइसेंस बोल सकते हैं, यहाँ पे ब्रस्टिंग, ब्रस्टिंग ऑफ एंथर, एंथर मतलब क्या जाएगा पोलन को रिलीज करेगा वो, रिलीज पोलन्स में बोल सकते हैं क्रिस्टोगेमी, मतलब ये क्लोज फ्लोर होते हैं, ठीक है। वो कब ओपन होंगे, जब जो एंथर होगा उसका डिहाइसेंस हो जाएगा, फिर रप्चर होगा, पोलन ग्लैंड बाहर आने लग जाएंगे, बाहर आने तब वो ओपन होगा, तब फीमेल प्लांट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर स्टिग्मा बोलते हैं वो अपने को दिखेगी, और उसके बाद वो डायरेक्टली पोलन होते हैं वो रप्चर हुआ होगा और डायरेक्टली जाकर उसको फर्टिलाइज कर देगा, तो इसको अपन बोलते हैं क्रिस्टोगेमी। और उसके बाद में जाएगा चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी ये क्या होते हैं, ये ओपन होंगे, ठीक है, विल ओपन, लेकिन कब ओपन होंगे, विल ओपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या फिर अपन फर्टिलाइजेशन के अपन बोल सकते हैं आफ्टर पोलिनेशन, आफ्टर पोलिनेशन अपन बोल सकते हैं, मतलब पोलिनेशन होने के बाद में ये फ्लावर ओपन होंगे। देन उसके बाद में इसका एग्जांपल पूछते हैं कई बार, क्लिस्टोगेमिक एग्जाम्पल आते हैं, इसके एग्जाम्पल अपने पास याद रखेंगे, सी अपने पास में जाएगा ग्रैप, और अपने पास आ जाएगा एक क्रिस्टोगेमी के अंदर अपने पास हो जाएगा चार एग्जाम्पल यहाँ पे नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो अपने पास में ग्रैप हो गया, देन ग्रैप हो गया सी जी पी ए, पपाया हो गया, और अपने पास में आ जाएगा सपोटा। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्लिस्टोगेमी फ्लोर किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ग्रैप पपाया सपोटा, याद करेंगे तो याद करते हैं सी जी पी ए, ठीक है। उसके बाद में चेस्मोगेमी आ जाएगा, ठीक है, ओपन फ्लोर आफ्टर पोलेशन। उसके बाद में बात करेंगे होमोगेमी की, होमोगेमी क्या होती है, होमोगेमी हो जाएगा, ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल हो जाएगा वो फ्लोर होंगे, मेल एंड फीमेल फ्लोवर मेच्योर एट सेम टाइम, मेच्योर एट सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे वो मेच्योर होंगे, तो एक ही टाइम पे मेच्योर होंगे तो सेल्फ पोलेशन कंडीशन ज्यादा होगी वहां पे। बात करते हैं अपन जिटोनोगेमी की। जिटोनोगेमी क्या होती है, जब वैसे तो जल्दी अपन इसको अलग पार्ट करके पढ़ने लेंगे ना, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, सेल्फ पोलेशन को सपोर्ट करते हैं, उसके अंडर में अपन इसको पढ़ लेते हैं। अपने ऑटोगेमी के बारे में पढ़ा, सेल्फ पोल्यूशन के बारे में। सेल्फ पोल्यूशन क्या होता है कि मतलब सेम फ्लोर के अंदर वो सेम फ्लोर के अंदर जो एंथर होंगे वो स्टिग्मा के अंदर जाएंगे, फिर स्टिग्मा को पोलिनेट करेंगे, तो इसके अंदर हो जाएगा अपने वो सेम प्लांट के अंदर वो अपने पढ़ा था, ठीक है। तो ऑटोगेमी अपने पढ़ा सेम फ्लोर, ठीक है। जिटोनोगेमी के अंदर क्या जाएगा, पोलिनेशन टू फ्लोवर, पोलिनेशन ऑफ ए फ्लोवर, पोलिनेशन अपने बोल सकते हैं, पोलिनेशन बोल देंगे कि मतलब इसका जनरली अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब हो जाएगा कि
एक ही फ्लोवर सॉरी एक ही प्लांट के अंदर डिफरेंट फ्लोवर पे ऊपर, जैसे एक प्लांट अपने पास में ठीक है, उसके अंदर एक ये फ्लोवर है एक ये फ्लोवर है ठीक है, तो इसके अंदर इसका जो पोलन है वो इस फ्लोवर के अंदर आ गया, इसको अपन बोलेंगे जिटोनल मेम्ब्रेन, कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा और टू डिफरेंट फ्लोवर ऑफ सेम प्लांट है, इसको अपन बोल सकते हैं डिफरेंट फ्लोवर ऑफ सेम प्लांट अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ठीक है। तो उसके बाद में बात करेंगे पोजीशन ऑफ एंथर, पोजीशन ऑफ एंथर आ जाएगा कि फ्लोर के अंदर स्टिग्मा और एंथर की पोजीशन कैसे होती है, जैसे अपने पास में ये स्टिग्मा हो गया, उसके बाद में एंथर बात करेंगे तो एंथर की पोजीशन ये होगी, तो डिहाइसेंस होते ही वो अपने पास में इधर आ जाएगा, तो अपने पास में पोजीशन ऑफ एंथर हो जाएगा, फिर अगर ऊपर होगा तो उसके अंदर भी आने की पॉसिबिलिटीज के अंदर रहती है, तो पोजीशन ऑफ एंथर ये अपने पास में यहाँ पे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो। उसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट क्रॉस पोलिनेशन, देन उसके बाद अगर अपन बात करेंगे क्रॉस पोलिनेशन में, क्रॉस पोलिनेशन का मतलब हो जाएगा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन जगह फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट या फिर डिफरेंट फ्लावर अपन बोल सकते हैं, डिफरेंट उसके अंदर अपन ने पढ़ा था सेम प्लांट के अंदर, इसके अंदर डिफरेंट प्लांट हो जाएगा, उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था इट लीड्स टू होमोजाइगोसिटी, इसके अंदर जाएगा इट लीड्स टू हेटरोजाइगोसिटी हो जाएगा, देन उसके बाद में उसके अंदर अपने क्या बना था इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज नॉट इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव लेस हो जाएगा, इसके अंदर मोर इफेक्टिव अपन बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव करेगा इसको। उसके बाद में अपन बोलते हैं कॉमन फॉर्म ऑफ आउटब्रीडिंग, और एक बात पॉइंट यहाँ पे उधर बताना भूल गए थे, उसके अंदर था क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग सेल्फ पोलिनेशन, तो वो क्या होता है सेल्फ पोलिनेशन अपने पास में क्या जाएगा क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग या फिर अपने पास जाएगा कॉमन फॉर्म ऑफ आउटब्रीडिंग, तो ये चार बातें अपन को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉस पोलिनेशन, जो क्रॉस पोलिनेशन को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, एक नंबर अपने पास में यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या हो जाएगा मेल और फीमेल प्लांट वो डिफरेंट मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, तो उसके अंदर क्या होगा ये डिफरेंट प्लांट हो जाएगा, एक प्लांट यहाँ एक प्लांट वहां, तो उसके अंदर क्या जाएगा क्रॉस पोलिनेशन होने के चांसेस कम रहते हैं, तो ये फैक्टर अफेक्टिंग आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल इसके अंदर देखें तो अपने पास में आपने सुने होगा जो पपीते का होता है पपाया का होता है वो जोड़े के बिना नहीं होता ठीक है, तो पपाया आ जाएगा इसके अंदर, और क्या जाएगा डेट पाम वगैरह आ जाएगा, डेट पाम एक्सेट्रा जाएगा ठीक है। देन उसके बाद बात करेंगे मोनोइसी, मोनोइसी का मतलब क्या आ जाएगा कि जो मेल और फीमेल प्लांट अपने पास में यहाँ पे रहेंगे ऑन डिफरेंट, मोनोइसी का यहाँ पे अपने पास मतलब आ जाएगा वैसे जगह मेल एंड फीमेल प्लांट ऑन डिफरेंट सेम प्लांट एक मिनट, तो मोनोसी की बात करें तो मोनोसी के अंदर जो मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स है या फिर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सेम प्लांट के अंदर प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो सेपरेट होंगे ठीक है, मतलब पास पास नहीं होंगे, सेपरेटेड होंगे, डिस्टेंस पे होंगे या फिर किसी और थिंग से ऑन सेम प्लांट बट सेपरेटेड सेपरेटेड होंगे ठीक है। इसके अंदर अपने पास में डायोसिस के अंदर अपन बोल सकते हैं कि दो जो प्रेजेंट होंगे वो डिफरेंट प्लांट के अंदर अपने पास में प्रेजेंट होगा, डायसी अपने बोल सकते हैं इधर, इसके अंदर डिफरेंट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा ऑन डिफरेंट प्लांट के अंदर होगा, तो अपने पास में ये होगा यूनिसेक्सुअलिटी और डायसिस के सेम ही होते हैं ठीक है, डिफरेंट ये भी डिफरेंट प्लांट के अंदर भी डिफरेंट होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स अपने पास में जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं ठीक है, ये तो ये अपने को याद रखने हैं ठीक है। मोनोसी के अंदर मैंगो मेज ग्रेप स्ट्रॉबेरी का सवाल जाएगा, डायसिस के अंदर पपाया डेट पाम, ये कॉमन एग्जाम्पल जो पूछ जाते हैं ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं डाइकोगेमी की, तो डाइकोगेमी क्या होती है, डाइकोगेमी अपन बोल सकते हैं मैच्यूरेशन टाइम अपन इसको बोल सकते हैं, मैच्योरिटी ऑफ स्टैमन या फिर अपन बोल सकते हैं पिस्टिल ठीक है, मेल और फीमेल ऑर्गन्स की मैच्योरिटी, तो अपन बोल सकते हैं कि प्रोटो एंड्री है, प्रोटो एंड्री एंड्रोशियस एंड्रोशियम हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा मेल प्लांट ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हैं मेल है ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा मेल होगा वो मेच्योर अर्लियर देन फीमेल हो जाएगा ठीक है, तो प्रोटो एंड्री के अंदर होगा मतलब प्री एंड्रो मतलब हो जाएगा मेल होगा वो पहले मैच्योर होगा, देन उसके बाद में प्रोटोगाइनी हो जाएगा, इसके अंदर क्या होगा जो फीमेल होगा
मेच्योर अर्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है, ये अपने पास में प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, प्रीवियस में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, उसके जो कॉमन एग्जांपल वो अपन को ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये चार फैक्टर हो गए, उसके बाद में कुछ फैक्टर्स और हैं वो भी अपन देख लेते हैं जल्दी से। आगे अपन देखते हैं, तो अपने में पांच छह कर लिए थे, उसके बाद में फैक्टर फैक्टिंग ऑफ प्रोडक्ट बोलने जाए, उसके बाद में बात करते हैं हेट्रोस्टाइलिंग। हेट्रोस्टाइलिंग का मतलब क्या जाएगा, टू फॉर्म ऑफ लेंथ आ जाएगा, ठीक है। अगर फिलामेंट की लेंथ लेंगे तो, या फिर स्टिग्मा की लेंथ लेंगे अपन, तो मतलब डिफरेंट लेंथ के होंगे, एक छोटा हुआ एक बड़ा हुआ, एक बड़ा हुआ एक छोटा हुआ। उसके बाद में इसके नीचे में आते हैं पिन टाइप और थ्रम टाइप। पिन टाइप आ जाएगा सबसे पहले, पिन टाइप के अंदर अपन देखेंगे जो स्टाइल की जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, जैसे फिलामेंट की लेंथ से या फिर स्टेमन की लेंथ से अपन बोल सकते हैं। पिन टाइप के अंदर स्टाइल की या फिर जो मेल की लेंथ होगी वो ज्यादा होगी फीमेल से। इसके एग्जाम्पल अपने पास में पोमोग्रेनेट, लीची और सपोटा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। देन उसके बाद में थ्रम टाइप आ जाएगा, थ्रम टाइप के अंदर अपने पास में क्या जाएगा, जो स्टेमन के फिर फिलामेंट की लेंथ होगी वो ज्यादा होगी से स्टाइल से, इसके अंदर लीची एलमंड आ जाएगा, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं वो सिर्फ जो प्रीवियस ईयर में पूछ रहे हैं उनके ही आ रहे हैं, एडिशन कोई इंपॉर्टेंट होगा तो वो भी लगा दिया जाएगा। तो उसके बाद करते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, फंक्शन पोलन विल नॉट फर्टिलाइज, ठीक है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी इनके अंदर सेम ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि मेल स्टेरिलिटी के अंदर नॉन फंक्शनल पोलन होते हैं, लेकिन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर फंक्शनल पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो किसी कारण से जर्मिनेट नहीं हो सकते, स्टिग्मा उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। इसके एग्जाम्पल की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। फिर आ जाएगा डुओ डाइकोगेमी, डुओ डाइकोगेमी इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी, डुओ डाइकोगेमी क्या होता है, तो इसके अंदर मेल एंड फीमेल फ्लोवर आर टेम्परली सेपरेटेड, ठीक है। सेम प्लांट के अंदर रहेंगे वो, लेकिन वो टेम्परली उनको सेपरेट कर दिया जाएगा, जिस वजह से पोलिनेशन नहीं होगा। इसकी डेफिनेशन और इसका एक एग्जाम्पल चेस्टनट आपको याद रखना है। देन उसके बाद में हिट्रोडाइकोगेमी, डुओ डाइकोगेमी होगा हिट्रोडाइकोगेमी, इसके अंदर टू जेनेटिकली रेसिप्रोकल मॉर्फ्स फर्स्ट एक्ट एज मेल, देन उसके बाद में एक्ट एज फीमेल, मतलब हो जाएगा टू जेनेटिकली जो रेसिप्रोकल मॉर्फ्स होते हैं वो पहले किसका एक्टिंग करेंगे, मेल का, देन उसके बाद में फीमेल का, और इसके जो अपोजिट चलता है वो पहले किसका करेगा, पहले करेगा फीमेल का, देन उसके बाद में मेल का एक्ट करेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जेनेट हो जाएगा। देन उसके बाद में बात करते हैं मेल स्टेज की, बात कर लिए अपने नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से, एंथ से। तो ये अपने पास में क्रॉस पोलिनेशन तक का यहाँ पे खत्म हो गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल प्रोडक्शन पढ़ लिया और पोलिनेशन पढ़ लिया, देन उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे सेक्सुअल प्रोपगेशन की, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो प्लीज पूछेगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, और सबको पसंद आया होगा। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक बच गया है कि पोलिनेशन के एजेंट्स, वो एक मिनट की शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं डाल दूंगा अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए।